आखिरी हूँ जी गल मुकाइए, ए होर एक किताब इन्होंने दिनों एक बच्चा मैं देगा दें दे रही हूँ, मैं अखने सुझा लईना जो आँगी सारा दिन मुका छड़ना। ये साडे बरेली हजरात जनाया से बहुत जनों समझ आता बेमान है साढ़े उलमा का अशरफ सियालवी मुद्दा जिलो लाली, उन्होंने किताब तहकीकात लिखी मगर खिलाफ हो गई दुनिया, अद्धे बरेलवी एक पासे हो गए अद्धे ये खिलाफ फतवे तू मार जाए मेरे मगर पई दुनिया में खाम खा गल समझना ना को ना तहकीक लाना हाल 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 आँदे अशरफ सियालवी ने साड़ा रह नहीं चकनी। ये जिन्हें साबित किया जरा आँदे ना तुम नबी अलैहिस्सलाम बचपन तो ही नबी सी ये नहीं गल जो वही आई उस नबी होए तो ही आपने फिर ऐलान किया, नहीं तो 40 साल नबी होंगे चुप कर रही थे लोग बुरे काम करते रहे टोकया नहीं और ना कोई दीन दस्या कि उस 40 साल के नबी होने का फिर फायदा। यह गल साबित करके ते बहस करके किमें जदों वही आई उदों ही आप नबी है उदों पहला आप कोई खबर नहीं इतने फिर जी बिचो टुकड़ा सुनो ये मसले एडा नहीं चलो उलमा झगड़ते फिर। एक और शुबा का इजाला ए समझो एक ना खुशी की खबर आई है इस ग्रोह चो भी जमूर टुटा लोगों ने आख्या यह जी गल बनी ना बे शियां का मसला ये वहाबियां का मसला यह तो समझना चाहिए क्या लाइन आदमी कि गल से गल कर भी वो दलील बेहद बंदा तू एक कलमा बना लिया कि नफरत दिलाने लिए फुरा कहेंदे यह एक जादू जे शैतानी कि कोई मसला ये शियां का यह बरेलवियों का यह शैतानी ग्रोह कहू आदमी का कम दलायल वेखे कि जी दलील देता किताबा कढ़ो अपनी विखाओ। बाद हजरात इरशाद फरमाते 375 सवा इस मसला में हमारी वहाबियों के साथ मुआफकत हो जाएगी। उन्होंने आख्या अशरफ सियालवी साहब मनी ये तो वहाबी आते 40 साल तो बाद आपको खबर तो इस बारे में गुजारिश यह है अल्लामा फरहारवी ने निब्रास के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम की इसमत की बहस करते हुए इस एतराज का जवाब देते हुए कि अम्बिया को मासूम समझना तो शिया का किया अब्दुल अजीज फरहारी वाले सुनो दे आलम ना देवबंदी बरेली वाले जी सब मनते उन्हें जो बहस की साढ़े सुनी आल मानते थे नबी आने तो बाद नबी गुनाह तो पा कर पहला हो सकता कबीरे भी करता रहा शिया नहीं सी मानते आते यार नबी जरा पैदाइश तो लैके मौत तक नबी जो मर्जी ऐलान हो गुनाह नहीं हो करना वो गुनाह करके बाद तौबा करके बाद करे कौन सुनूंगा तो अब्दुल अजीज फरहारवी ने मैं आख्या भी सच्चे हो गल ठीक है बेदाग रखता अल्लाह तला उन्होंने वो फिर कहता भी लोगों ने कहा कि अम्बिया को मासूम समझना तो शिया का किया उदों भी ताना दिता उन्होंने कि फिर असं शियां ना रल गया कि नबी पाक ही होंगे शुरू। उन्होंने इरशाद फरमाया अहले सुन्नत का मकसद दलायल की इत्तबा है ना कि शिया की मुआफकत असी भाई शियां की गल परों ने इन मनिया अपनी जगह जो कुरान हदीस में खंगालिया बात बदली नजर आई और इतफाकी मुआफकत ने कुछ हर्ज नहीं मेरी कोई गल बरेलवियां रल जाए उन्होंने साना आते अंदर कोई हर्ज नहीं अगर वह दलील की बुनियाद पर है ऐ कंधा टुट जान दीन एक हो जाना जिन्ना चिरे वहाबी आते ये तो शिया कहें दीन रुक जाता अखा से पट्टी बन जाती यही गुजारिश हम भी करते हैं। वो अब्दुल अजीज फरहारवी का हवाला देकर कहते भाई यो गल मेरी है कि हमारा मकसद भी दलायल की इतबा है ना कि वहाबिया देवबंदिया की माफ कर असं वहाबिया देवबंदियां मगर नहीं लगे कुरान हदीस ने मजबूत कर कि नबी अलैहिस्सलाम को नहीं सी खबर उदों पता लगा जो अल्लाह का फरिश्ता है। नीज जिन हजरात के हमने हवाला जात बयान किए वो मदरसा देवबंद के वजूद में आने से पहले की जिन्हें ना मैं हवाले दिए देवबंदी जमे भी नहीं सुन ना ये मदरसा बने वो साढ़े सारे अहले सुनन दे आरम बाद हजरात ये भी इरशाद फरमाते हैं कि ये तो मौजूदी का किला देख लो किड़े किड़े बोते जिते थोड़े चो फसे नहीं मेरे नाल रल सके यो गल बनाए फलाने कहें फलाने गोली मारनी है कुरान हदीस कढ़ के वेख ला बे हवाले की दस दे पहला एक शोशा छड़ देना अन्य हो जाने कह मौजूदी का किया तो इस बारे में गुजारिश यह है जिन हजरात के अकवाल हमने पेश किए इनमें से कोई भी जमात इस्लामी का रुकन नहीं है। मजीद गुजारिश यह है ए नचोड़ दी गल मजीद गुजारिश यह है अकायद का दारो मदार दलायल शरिया पर होता है ना कि किसी बातिल फिरका की जिद पर सौ खा रही क्यों कहेंगे इस तो अभी उन्होंने सच्ची भी नहीं मनी ए कोई दीन नहीं होना जे कोई गलत फिरका भी गल करता मगर है वो सच्ची वो कि सारिया झूठिया दे दलायल की पैरवी करनी ए दीन है। सफा 337 तो यह भी सुना ये खुशी की गल है बिल्कुल इतने बड़े आलम जिन्हें ना ही लिख लिख के अशरफ सियालवी साहब सारे दुनिया यारे दल अशरफ उल अलामा शेख उल हदीस तफसीर अबुल हसनात अलामा मोहम्मद अशरफ सियालवी जी दा मजदूर आदि
खुशी की गल कि बरेलवी हो कोई है दलील जो आ गई सिर्फ लोगों ने आख्या वहाबी कहते फिराने के यार की है वहाबी कहते सुनी जो गल ठीक है। मैनू याद आया कि दिल्ली च केडा जिद्दी मौलवी पैदा हो गया जिन्हें आख्या मैं जो इस्माइल कहूँगा ना दिल्ली वो उल्ट कहना हर गल से मुखालफ अन्ना हो गया। दुश्मन शाह साहब आख्या यार मैं ना ला इला मुहम्मद रसूला पढ़ना जायज है तू हूँ जो हलाल दाना तो तू कह नजायज मैं ना मां ना निकाह हराम आ तू हूँ जो मां ने जनिया ना तेन अपनी गल के मुताबिक कह नहीं मां ना निकाह हल फिर शर्मिंदा होया क्यों पहले अन्ने होकर दूर निकल जाना हों हद ते रहो भावें भाई बरेलवी कह देवबंदी कह गल सुननी होगी सुन के फिर उन्होंने परखना करो बात बदनी है तुसी उस दलील दे अगे झुकना बंदे अगे नहीं झुकना। सूरा मुल्क रसूले करीम अलैहिस्सलाम साउंड तो पहला पढ़ दे किवें उहदा ही दस्सिया कि जो अल्लाह के फरिश्ते कहणगे दो तुहानूं कोई दसण वाला ना आया उस वे जिहड़ा गुनाह मनना ना उह ना जना है ना चोरी इहो ही मन लाओ कुन्ना ना समावना ते अगर हम सुना करते और गौर व फिक्र करते मा कुन्ना फी असाब क्यों दोज़ख में होते जुर्म में कन दी मिले सुन हर एक दिमाग मिलया सोच फिर वेखो दीन नूं इन्ना तरस आया आख्या जे तू भाई अपना जोर ला लिया ना सब दियाँ सुनिया ही ईमानदारी ना तू गलती भी खा गया तो एक सवाब देंगे तू अपनी कोशिश कर चुका जे सही लभ लेंगा दो इनाम देंगे कोशिश ना करेंगा अखा मीट के तुरै रहेगा मुजरम होगा कि तू हैवान सी पेड़ से पेड़ चल तुसी शुरू रखी क्यों नहीं अपनी अकल वरचा इस तो मेरे भरावा अजीजो हर मामले जो कुछ अल्लाह दे दीन ने दसिया और वो दीन एन फटकिया होया छान के देता उल माने साढ़े तक जे कोई मिलावट हुई उन्हें बयान कर दिता ब्याह लोगों का अपना इजाफा अल्लाह तौफीक दे तो अमल करो वह जरिए नजात है ऐत जी मैं पढ़ी सूरा मुहम्मद दी ओहदे सी अल्लाह का हुक्म मानो और रसूला का हुक्म मानो वला तुब चलो मालकम वरना अपनी मेहनत बर्बाद कर बैठो सब कुछ कर करा के लभना कुछ नहीं पिछे रहो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी और नजात है वाखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तहकीकात तहकीकातुलउलमाए किराम वला इम्मतुलआलाम फी नबुव्वत सैयदुल अनाम अलैहिस्सलाम फी आलमिल अरवाह ए अरबी की नारे मौलाना मुहम्मद अशरफ सियाली बेशुमार आलम इन्हां दे शागिर्द आलम किसी ग्रोह च भी आलम